हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड साइंस और मैं हूं गणेश। इंग्लैंड दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और एंटीवायरस जिसका नाम है अवीरा। अवीरा एंटीवायरस को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं और इसे इंस्टॉल कर देंगे। डाउनलोड होने के बाद ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से होता है हमारा स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट स्कैन को स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे बाईपास भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्कैनिंग हो रही है, मैं बताई देता हूँ आपको। यहाँ पर आप नीचे आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग और स्कैनिंग के लिए 36 ऐप हैं और 4305 फाइल्स हैं। इन सारी चीज़ों को ये स्कैन करेंगे अभी, लेकिन कंप्यूटर के जितना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। मोबाइल जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है या फिर iOS रहती है, इतनी कंप्यूटर के जितनी हार्ड नहीं रहती है। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर टू इश्यूज फाउंड हुए हैं। टू इश्यूज फाउंड मतलब सिक्योरिटी, देखिए डिवाइस सिक्योरिटी इशू रिक्वायर यू इमीडिएट अटेंशन। एक है प्राइवेसी में, प्राइवेसी में है क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग डिवाइस एंड अकाउंट वल्नरेबिलिटीज। मतलब एक वल्नरेबिलिटीज मतलब एक ये इन्फेक्शन टाइप का है, वायरस टाइप का, तो ये चीज़ है। और एक परफॉर्मेंस है, तो इसमें से हम एक को क्लियर कर लेते हैं। अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे इसे। चेक करने के बाद ये ईमेल एड्रेस वगैरह मांगेगा आपको, तो ये लंबी प्रोसेस है। और इस मोबाइल में जो ईमेल एड्रेस है वो स्कैन करने के लिए उनका कहना है, तो मैं ईमेल एड्रेस डाल ही देता हूँ। और उसके बाद स्कैन पर क्लिक करेंगे तो ईमेल हमारा जो थ्रेड फाउंड 0, ओके, ये ईमेल को स्कैन किया है और उसके बाद कोई थ्रेड नहीं मिला है। तो चलिए वापस थम्स अप दिया है, ऑल गुड। प्राइवेसी हमारा क्लियर हो चुका है। परफॉर्मेंस में देखते हैं, यहाँ भी चेक कर लेंगे। और बूस्ट करने के लिए हमें कहा गया है फ्री मेमोरी और फ्री स्टोरेज बूस्टेड, ओके। तो ये भी हो चुका है, जो दो इश्यू थे हमारे वो क्लियर हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए इंटरफेस इस तरह से कुछ है। यहाँ पर है VPN सिक्योरिटी इंटरनेट है, कंट्रोल डिवाइस रिमोटली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, कंट्रोल डिवाइस रिमोटली। और बूस्ट परफॉर्मेंस है, कंट्रोल सेंसिटिव परमिशंस है, और ब्राउज सिक्योरली प्रो है ये, और माइक्रोफोन प्रोटेक्शन वगैरह। माइक्रोफोन प्रोडक्शन मतलब आप जो बोल रहे हैं वो भी साउंड हैक हो सकता है, कहने का मतलब अगर आप समझ रहे हो तो जब हम फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो वो भी साउंड हैक होने की कोशिश हो सकती है, तो उसे ये प्रोटेक्ट कर लेता है। तो साउंड में तो आवाज़ में तो हम बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि कोई और थोड़ी सुन रहा है, लेकिन वो भी हैक हो सकता है। और ब्राउज सिक्योरली, ये तो आपको पता ही है कि जब हम बैंकिंग वेबसाइट यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, तो वो भी ज़्यादा हैकर्स की नज़र उनके ऊपर रहती है, तो ऐसी कंडीशन में उनको भी सिक्योर रखना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये ब्राउज सिक्योरली है। और चेक ईमेल फॉर ब्रिचेस, उल्लंघन करना, अगर कोई पॉलिसी को तोड़ के हमारी सिक्योरिटी को लीक करने की कोशिश करते हैं, तो उन चीज़ों को ये होने नहीं देता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था वही है वो। लॉक कॉन्फिडेंशियल ऐप है, नेटवर्क स्कैनर है, ये सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम चलते हैं VPN, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ये VPN। मतलब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि VPN होता क्या है, कि जैसे आप ब्राउज करते हैं कोई भी वेबसाइट, और जो कनेक्शन होता है वो होता है, एक एंगल बनता है कनेक्शन का, यूज़र, उसके बाद में जहाँ से भी आप ब्राउज कर रहे हैं वो ब्राउज़र, और उसके बाद सर्वर, ठीक है। इन तीनों को मिला के इंटरनेट का जो प्रोफाइल है, जो सर्कल है, वो शायद कंप्लीट होता है। तो होता क्या है कि अब आप और ब्राउज़र और सर्वर, आप कोई रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर को ब्राउज़र के थ्रू कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये फ़ोटो डाउनलोड करनी है या फिर किसी और डेटा को डाउनलोड करना है। लेकिन सिर्फ आप तीनों ही थोड़ी है इंटरनेट की दुनिया में, आप तीनों ही नहीं है, और भी तो सारे नेटवर्क्स है, और भी तो सारे हैकर्स हैं, लोग हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके ऊपर नज़र रख सकती है। तो ये VPN करता क्या है कि बाकी जो लोग हैं, आप, मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जो हैकर्स हैं उनको आप क्या सर्व कर रहे हैं,
क्या सर्फिंग कर रहे हैं, क्या डेटा ढूंढ रहे हैं, सर्वर से क्या डिमांड दे रहे हैं, वो डिमांड को पता नहीं लगने देते, ठीक है। ये वीपीएन का जो ये फीचर है वो उस डिमांड को जो आप सर्वर को डिमांड दे रहे हैं ब्राउज़र के थ्रू कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसका पता नहीं लगने देते कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, तो उसे ही बोलते हैं वीपीएन। तो यहाँ पर हमने गए वीपीएन पे और उसके बाद वीपीएन ऑफ है, इसे ऑन कर दिया। यहाँ से ऑन करने के बाद ये देखिए 100 MB तक हमें मिलता है वीपीएन। तो जब आप नेट ऑन करोगे, ये देखिए मेरा वीपीएन ऑन हो गया। जब आप सर्फिंग करोगे, जब आप, मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर कर रहे हैं तो इस तरह से वीपीएन ऑन करें और ऑनलाइन शॉपिंग करें। जो ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट है और आप यूज़र और उसके बाद सर्वर, इन तीनों के अलावा कोई भी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप करके आ रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो यह है, उसके बाद आप इसे बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही है इसका इतना, और उसे ऑन कर देना है और उसके बाद अपनी सर्फिंग करनी है, उसके बाद बंद कर देना है, क्योंकि यह 100 MB तक ही फ्री है। ओके, तो कंट्रोल डिवाइस रिमोटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अलाउ करना होगा आपको जो भी आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरे फ़ोन की लोकेशन बता रहा है, मैं अभी इस वक्त सिक्किम में हूँ, ठीक है। तो ये सिक्किम की लोकेशन मुझे दे रहा है। और अगर आपको आपके परिवार में और भी बच्चे हैं, फैमिली में और सदस्य है, छोटे भाई बहन है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं टूर जाते हैं, आपको उनके ऊपर भी कंट्रोल करना है यहीं से बैठे जहाँ भी आप हो, तो ऐसा करने के लिए आपको उनके जो नंबर्स है यहाँ पर ऐड करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 डॉट पर क्लिक कर लेता हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड नहीं है, ठीक। तो 4 3 डॉट सॉरी, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे ऐड मोबाइल डिवाइस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप इसे लॉगिन करना होगा आपको पहले। तो मैं गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और जबकि मैंने इसे क्या किया, पहले डाउनलोड किया इस एप्लीकेशन को, उसके बाद इस्तेमाल किया, मैंने खुद चेक कर लिया और अभी भी है और अभी रखूँगा आगे। और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, ठीक है। तो मैंने इसी चक्कर में मेरा मोबाइल तो ऐड है पहले से ही, मेरी फैमिली का है और एक मेरे दोस्त का है और एक मेरे भाई का है। तो मैं अभी एक जो एसुस नाम का जो फ़ोन है, मैंने यहाँ से ऐड किया, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, कौन सी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिवाइस है। अगर आपका एप्पल का है तो iOS को सिलेक्ट करेंगे, और एंड्रॉयड का है तो इस एंड्रॉयड, तो मैं एंड्रॉयड पर क्लिक कर लेता हूँ। और जिसको भी आपने कंट्रोल करना है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप SMS कर सकते हैं। SMS बहुत सिंपल स्टेप है, यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो उसके बाद यहाँ जो कॉन्टैक्ट वाला जो बटन आया है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी ढूंढ सकते हैं। तो मैं कोई भी एक मेरा फ्रेंड लेता हूँ, चलो मान लो मैंने इसको लिया है और उसके बाद ये नंबर आ गया है, उसके बाद सेंड करेंगे तो लिंक उसके पास जाएगी और उस लिंक के थ्रू उन्हें इस एंटीवायरस को डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद सेटिंग करनी होगी जैसे कि हम इस वीडियो में कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी जो 4 मोबाइल के जो मॉडल नंबर दिख रहे हैं उसी के नीचे, या फिर आपने अगर ऐड किया है एक तो आपके मोबाइल सबसे ऊपर रहेगा और उसके नीचे आपको वो डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो दिखाई देगा। और उसके बाद आप उसके सिर्फ क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए ASUS ये अभी लोकेटिंग डिवाइस कर रहा है, उसे लोकेट करने की कोशिश कर रहा है वो है कहाँ पर एक्चुअली। तो हम वेट कर लेते हैं वो कहाँ पर है, अभी हमें डेटा फिच करके आ जाएगा। ये एंटी थेफ्ट के नाम से भी जाना जाता है इस फीचर को, लेकिन एंटी थेफ्ट का है, जब आपका मोबाइल चोरी होता है ना तो सामने वाला क्या करता है, लोकेशन ऑन नहीं करता है, उसके बाद उसका सिम भी निकाल के फेंक देगा और बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उन सारी चीज़ों में ढूंढना मुश्किल होता है। वैसे सिर्फ ये है कि आपके जो फैमिली के जो मेम्बर्स हैं वो अभी इस वक्त कहाँ है, कहाँ पहुँच गए हैं, ट्रेन से जा रहे हैं तो कहाँ पर है, इस तरह से। ये देखिए लोकेशन आ गई है, और मेरा भाई अभी हिंगोली वाशिम रोड काफ़ी दूर है, एक ये देखिए एड्रेस है पातूर महाराष्ट्र, यहाँ पर अभी इस वक्त है। तो मुझे पता लग गया कि मेरा भाई कहाँ है, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो आज ड्यूटी पर नहीं गया होगा, क्योंकि ये लोकेशन उसकी मोबाइल की घर पर ही बता रहा है, तो वो अभी इस वक्त घर पर ही है। अगर वो ड्यूटी पर जाएगा तो वो औरंगाबाद, मुंबई या नागपुर इस तरह से, तो यहाँ पर मुझे वो
मुंबई लोकेशन, अगर मुंबई में रहता तो मुंबई दिखा देता, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए वो घर पर ही लोकेशन दिखा रहा है उसकी। ठीक है, पहले मेरी मोबाइल की लोकेशन सिक्किम में थी, अब मेरे भाई की लोकेशन महाराष्ट्र में। तो आपको अभी पता लग गया होगा कि किस तरह से काम करता है। वापस चलते हैं हम, दो चीज़ें हो गई है, माइक्रोफोन प्रोडक्शन ये प्रो है, इसके लिए हमें पेमेंट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की इसकी ज़रूरत सबको है। मैं आपको बता दिया कि जैसे आप कॉल करते हो तो कॉल भी ट्रैक नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड भी। हाँ, इसमें यह है कि अगर आपका फ़ोन, आपका जो कॉल है, आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर सामने वाला रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी बता देगा यहाँ पर। तो बहुत अच्छा फीचर है ये, है ना। होता है कभी कभी आप कोई सीक्रेट बात करते हैं सामने वाले के साथ में, कोई सौदा करते हैं, तो लो आजकल क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं बात। तो ये जो डिवाइस है आपको बता देगा कि आपकी जो बात सामने रिकॉर्ड हो रही है, तो आप उस तरह से बात करेंगे। फिर बैक चलेंगे, बूस्ट परफॉर्मेंस है ये, तो अपने इंटरनल के लिए है। यहाँ पर जैसे बूस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो अपने ये मोबाइल को मेमोरी और स्टोरेज को बूस्ट करेगा, जैसे अभी हमने ये डन हो चुका है क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले किया था। वापस चलेंगे, कंट्रोल सेंसिटिव परमिशंस यहाँ पर क्लिक करेंगे, और तो यहाँ पर दिया है कॉन्टैक्ट, चार कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, फ़ोन में 11 है। तो ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट्स पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें मेरा जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर जियो टीवी में भी है, तो इस ये नंबर मेरे सिक्योर है, ये नंबर क्या है मेरे ट्रैक नहीं हो जाएंगे, हैक नहीं होंगे। पेटीएम में भी नंबर है, टेलीग्राम में भी है और व्हाट्सएप में भी है, ये नंबर है। ठीक है, और उसके बाद फ़ोन में जो है कौन कौन से डिवाइस है, देखिए टेलीग्राम, HDFC, उसके बाद रेल कनेक्ट, महावितरण, फ्री फायर, जियो टीवी, ये जो तमाम एप्लीकेशंस हैं, इनमें जो मेरे नंबर्स मैंने डाले हुए हैं इंस्टॉल करने के टाइम पे, वो नंबर सेव है, मतलब ये नंबर हैक नहीं हो पाएगा, ट्रैक नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई थर्ड पार्टी से मेरा डेटा निकालना चाहेगी मेरे नंबर से तो वो उसे निकलेगा नहीं। और ये जो नीचे है ऑफ है, इसे आपको ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखते क्या बोलता है आगे। तो ऑन नहीं होगा ये डायरेक्ट क्या होगा, अनइंस्टॉल होगा। तो ऑन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको इसका प्रो वर्जन गेट करना होगा, लेना होगा, यहाँ पर ऊपर लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो जितने जितने नंबर्स लिखे हैं उतने नंबर्स हमें फ्री मिले हैं कंट्रोल करने के लिए। ठीक, उतने एप्लीकेशंस के जो ऊपर जो हम नंबर डालते हैं वो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। चेक ईमेल है फॉर ब्रीचेस, जो उल्लंघन जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया है आपको पहले, तो यहाँ पर आप ईमेल डालेंगे। मैंने ईमेल डाल दिया और इसे आप स्कैन करेंगे, जो अभी हम स्टार्टिंग में जो स्कैन किए थे ना वही प्रोसेस है ये। और यहाँ पर थम्स अप मिला है, ईमेल एड्रेस इज सेफ। ओके, यहाँ पर वापस चलेंगे, दोबारा से एक प्रो फीचर आ गया है, कैमरा प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। वही बात है, आपको पेमेंट देना होगा और उसके बाद एक साल तक के लिए आपका कैमरे से ऑटोमेटिक भी फ़ोटो खींचा जाता है। जो अगर कोई हैक कर लिया आपको व्हाट्सएप के थ्रू, कोई ऐसी फाइल लिया और आपने उसे ओपन किया, कोई फ़ोटो दिया, कोई ओपन किया, तो कुछ मालवेयर्स आएंगे और वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद में आपका कैमरा हैक होगा, जहाँ पर आप बैठे हैं आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। अगर आप फीमेल हैं, अगर आपको नहीं पता किसी को आपका चेहरा और ये सब चीज़, तो वो भी आपका फ़ोटो भी ऑटोमेटिक चला जा सकता है। आप कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता है आपने मोबाइल रखा हो स्क्रीन की तरफ, तो मोबाइल से फ़ोटो खींचेगा और कंप्यूटर से आपका डेटा, मतलब जो स्क्रीनशॉट लेगा जो भी कंप्यूटर में आपने ओपन किया हुआ है, वो सारा के सारा उस फोटो में चला जाएगा। तो उसके लिए ये होता है, कॉन्फिडेंशियल ऐप है, आप इसे लॉक करके रख सकते हैं। और इसके बाद जो पासवर्ड है आपका डालेंगे, दूसरी बार भी डालेंगे, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आपको लॉक करना है उसे आप लॉक कर सकते हैं। मैं एक कोई भी एक एप्लीकेशन लॉक करके आपको बता देता हूँ अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉक करता हूँ, चलो ये लेता हूँ मैं, इस एप्लीकेशन को लॉक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे उसके ऊपर, अलाउ करेंगे, और ये यहाँ पर परमिशन है, इसे परमिशन को ग्रैंड कर देंगे। अवीरा ऐप लॉक, इसे ऑन कर देंगे और नीचे ओके आया उसे ओके कर देंगे, ये ऑन हो चुका है। उसके बाद वेब प्रोटेक्शन भी है, अगर आपको ऑन करना है तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट टू स्पीक, ये भी है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑन करनी कर सकते हैं। अभी लॉक ऐप में चलेंगे, यहाँ देखिए राइट साइड में आप देख रहे हैं लॉक्ड ऐप है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐप यू लॉक विल अपियर हियर, तो यहाँ पर वो अपियर होगा।
तो तीन ऐप लॉक्ड हो चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल प्ले स्टोर है, सेटिंग्स है, और ये देखिए इस तरह से ये ऐप लॉक हो जाएंगे। अनलॉक करना है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो अनलॉक हो जाएगा। सेटिंग्स ये देखिए, सॉरी इसे अनलॉक कर देता हूँ, इसे अनलॉक कर देता हूँ, नॉट नाउ, और उसके बाद इसे भी अनलॉक कर देता हूँ, इसे भी नॉट नाउ। तो अभी कोई भी एप्लीकेशन लॉक नहीं है। लॉक रखने का मतलब ये है कि उस एप्लीकेशन को कोई यूज़ नहीं कर पाएगा आपका, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल ऐप है जैसे कि पेटीएम है ना, आप लॉक करके रख सकते हैं यूज़ करने के बाद में। उसके बाद नेटवर्क स्कैनर है, आप इसे कर सकते हैं, वही है वीपीएन वाली बात है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। आप आपके जो जितने भी टीवी है, कैमरा है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई है। प्लीज़ कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क, यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जो भी आपको स्कैन करना है, अगर आपको कंप्यूटर स्कैन करना है तो कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, टीवी को, प्रिंटर को, इस तरह से कैमरा को, जो भी चीज़ आपके पास है। और उसके बाद डिस्कवर डिवाइस करेंगे तो उस डिवाइस को जैसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ में, वैसे कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसे स्कैन करेगा ये उसके अंदर क्या चीज़ है ना। तो कहने का सीधा मतलब है जिस डिवाइस में नेटवर्क चलता है उस डिवाइस को आप स्कैन कर सकते हैं। बाकी आप कैमरा भी आजकल ऐसे आए हैं जिनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो उसे भी स्कैन करने की ज़रूरत है। स्पीकर भी आए हैं, वैसे स्पीकर वगैरह यहाँ पर दिखाया ऊपर, तो उसको तो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आजकल हो सकता है आ रहे होंगे कुछ ऐसे स्पीकर जिन्हें कि जिनके अंदर की कोई सॉफ्टवेयर हो, तो आप जिन चीज़ के अंदर, जिस डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर हो उसे स्कैन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरी की पूरी एनालिसिस हमने की है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशंस बोलेंगे हम इसे, तो आप कर सकते हैं। अविरा इसका नाम है, अविरा एंटीवायरस, सिक्योरिटी फ्री। अगर आपको प्रो करना है तो 350 रुपये पे करना है पर ईयर, और आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको मिलेगी, जानकारी तो कम से कम मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।